हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर चैनल विजय। फ्रेंड्स, टुडे वी प्रेजेंट विथ अ यूजफुल वीडियो फॉर एस्पायरेंट ऑफ इंग्लिश टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एंड एलटी ग्रेड इंग्लिश। व्यूअर्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन पीरियड 1550 से 1620 ईस्वी से बिलोंग करते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। वे और उनकी जो मृत्यु थी वो 23 अप्रैल 1616 को। हम मृत्यु के डेट से जन्म के डेट को घटाने पर मालूम चला कि वो 52 वर्ष जीवित थे। जो उनका लिव एज था बुरा इस संसार में रहने का, वो 52 वर्ष था। अब हम उनके पेरेंट के बारे में जान लेते हैं। जो ग्रैंडफादर थे वो रिचर्ड शेक्सपियर थे, और जो फादर थे वो जॉन शेक्सपियर टेडर थे। मदर जो थी उनकी मैरी आर्डन थी, जो बिलोंग टू द वार्विकशायर फैमिली। अब चिल्ड्रन की बात करें, इल्डर टाटर सुसन्ना विच हु मैरिड टू जॉन हॉल ए फिजिशियन, एंड यंगर डाटर जुडिथ मैरिड टू थॉमस क्विंसी, एंड वनली मेल चाइल्ड हैमनेट हु डेथ अर्ली एज 11 अगस्त 1596। बर्थ प्लेस विलेज स्टेट फोर्ट, और बप्टाइज हुए जन्म के 3 दिन बाद स्टेट फोर्ट ऑन एवन चर्च में। ये एवन जो है एक नदी है जहाँ पर वो स्टेट फोर्ट गांव के बगल से ही बहती है, नदी के किनारे है, इसलिए नाम पूरा पड़ गया स्टेट फोर्ट ऑन एवन। वीडियो छोटा हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। जहाँ पे असुविधा हो आप वीडियो रोक करके आप फिर से देख सकते हैं। डेथ प्लेस ये 23 अप्रैल 1616 को स्टेट फोर्ट चर्च के पास दफना दिए गए थे। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर। इन ईयर 1587 ही फेल्ड फैमिली एंड ज्वाइंड द बर्बिस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। 1887 ईस्वी को उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा और बर्बज कंपनी ऑफ प्लेयर्स लंदन के साथ वो जुड़ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि वो थॉमस लूसी जो मजिस्ट्रेट था उसके पार्क से इन्होंने हिरण चुराए थे, उसके डर के मारे इन्होंने लंदन स्टेट फोर्ट छोड़ा था। ऐसा भी एक मिलता है सच। और दूसरा, इन ईयर 1597 ही बाट न्यू पैलेस इन स्टेट फोर्ट ऑन एवन, और 1597 में उन्होंने एक नया महल जैसा घर खरीदा था। 154 सानेट 1609 में पब्लिश हुए और 37 नाटक प्ले। इन ईयर 1611 ही सोल्ड ही शेयर ऑफ ग्लोब एंड ब्लैक फेरियर्स थिएटर्स। 1611 में उन्होंने ग्लोब और ब्लैक फेरियस थिएटर्स की अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इन द ईयर 1613 देयर वाज गेट फायर्ड इन ग्लोब थिएटर ड्यूरिंग द प्रीमियर ऑफ हेनरी 8। 1613 में जब हेनरी एट का रिहर्सल चल रहा था उसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ऑन द मार्च 25, 1660 ही अल्टर ड्राफ्ट ऑफ हिज विल टू
गिव हिज यंगर डाटर जुडिथ। मार्च 1616 को उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था अपने वसीयत का, जिसमें अपनी छोटी लड़की जुडिथ को उसने सारी संपत्ति लिख दी थी। रॉबर्ट ग्रीन एक उसी समय के समालोचक थे, जो उन्होंने शेक्सपियर साहब की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था ये गोट ऑफ बर्थ बीट उनके बारे में, और उन्होंने अपने हिज ऑटोबायोग्राफिकल पम्पलेट में 1592 में इस बात को कहा था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद उन्होंने शेक्सपियर साहब को साहित्यिक चोरी का भी आरोप लगाया था। पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर रीच टू द जीनिथ अंडर द रीजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। शेक्सपियर साहब का जो प्रसिद्धि थी वह जेम्स प्रथम के शासनकाल, जो 1603 से 1625 ईस्वी में बहुत बढ़ गई थी। शेक्सपियर एजुकेटेड ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड, वेयर ही गॉट अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर अपने गांव के ग्रामर स्कूल में स्टेटफोर्ड में प्रारंभिक शिक्षा ली थी, जहां पर उन्होंने थोड़ा लैटिन और थोड़ा सा ग्रीक का ज्ञान किया था। दोस्तों, आज ये था हमारा शेक्सपियर के बायोग्राफी के बारे में छोटा सा प्रयास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हैव ए नाइस डे।